लोग देखते हैं कि कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हो रहे थे, है ना। उसमें लोकसभा चुनाव में हम लोग देख रहे थे कि आप गठबंधन के को लेकर के आप मतलब लोगों को वोट मांग रहे थे, गठबंधन के लिए वोट मांग रहे थे। फिर अचानक ऐसे क्या हो गया कि आप अभी नया पार्टी झारखंड में उतार दिए हैं, क्या हो गया इससे? नहीं, आपका सवाल राजनीतिक पार्टी के लोगों को देखते हैं कि जब राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं थे, चाहे आदिवासी का पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों ना हो, एक शब्द भी पार्टी के अलग से बोलने का ताकत नहीं है। ताकत मतलब क्या, ना कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो हम ये सुन ये चाहेंगे पहले के प्रेम साई मुंडा ही रहेंगे कि अलग हो जाएंगे। देखिए, पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं आप लोगों को प्रेम साई मुंडा जी है, पहले जनपरिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे और अभी भारत आदिवासी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हम लोग देखते हैं, पहले सामाजिक संगठन चलाते थे, आज राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टी के नेता हो गए हैं। हम लोग बात करते हैं बहुत सारे मुद्दे में, क्या 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 अभी वर्तमान के यहाँ आदिवासी पार्टी जो बहुत सारे हैं उसके ये एवज में क्या काम करेंगे। सबसे पहले तो आप भारतीय आदिवासी पार्टी में शामिल हो गए, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, है ना। तो हम लोग जानेंगे कि अभी यहाँ पे बहुत सारे पार्टियां चल रही है, तो आप लोगों का भारतीय आदिवासी पार्टी क्या ऐसे काम करेंगे जो उनसे अलग रहेगा? सबसे पहले तो जोहार, और आपकी पब्लिक एक्शन न्यूज के सभी व्यूअर्स और सभी दर्शक को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। और भारत आदिवासी पार्टी का हम लोग को शामिल होने का मतलब है कि झारखंड में एक आदिवासियों की अपार संभावनाएं हैं और राजनीतिक विकल्प के रूप में हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो राज्य का जो परिस्थितियां हैं, जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आजसू पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, कमोवेश इन्होंने 23 वर्षों में सभी पार्टियों ने सत्ता पर स्थापित हुआ, लेकिन आदिवासियों मुद्दे पर कभी भी नीतिगत फैसले आज तक नहीं लिया गया। बार बार हम लोग कहते हैं कि 2001 का मुद्दे अभी तक जीवित है, और जो यहाँ के मंत्री विधायक इस पर कोई चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि राजनीतिक विकल्प देने के लिए भारत आदिवासी पार्टी ऐसा विकल्प है जो झारखंड में राज कर सकती है। बिल्कुल, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ आपका जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने आप को आदिवासी पार्टी कहती है, अपने आप को आदिवासी मूलवासियों का पार्टी कहती है, और आप इस दरमियान में आप लोग नया पार्टी आ गए, यानी कि भाजपा को यही आदिवासी लोग मतलब भाजपा को खिलाफ लड़ते हैं, तो जेएमएम और कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आप किसके खिलाफ लड़ेंगे, आप भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे कि जेएमएम के खिलाफ लड़ेंगे, किसके खिलाफ लड़ेंगे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, जब जनता का काम नहीं होता है क्योंकि सॉवरेनिटी जनता के बीच बसता है, और आप 23 वर्षों में देखे होंगे कि पलायन बढ़ी है, बेरोजगार की संख्या बढ़ रही है, और छात्र नौजवान हमेशा देखते होंगे झारखंड के संदर्भ में विभिन्न संगठन के लोग स्थानीय नियोजन नीति और अपने कारोबार के अधिकार के मसले पर हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, भाषा के मसले पर, यहाँ के टीचर के मसले पर, बस झारखंड के विषय पर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। रही बात कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी मूलवासियों की पार्टी कहती है और भी पार्टियां कहती है, तो हम लोग की लड़ाई सभी ऐसे दलों से है जो अभी तक मुद्दे को साबित नहीं कर पाया है या तो लागू नहीं कर पाया है। उसमें से सभी दोषी हैं, मैं एक दोषी नहीं मानता हूं, क्योंकि कमोवेश पहले भी कहा हूं कि सभी ने बारी बारी से यहाँ शासन सत्ता पर स्थापित हुआ। आज देखिए झारखंड की विकास का रेशियो, कितने पलायन कर रहे हैं। तो हमारा जो सवाल सबसे बड़ा होता है कि सरकारी पार्टी से, अभी हेमंत सोरेन जी का बहुत बड़ा अवसर था, आपने पेशा कानून के तहत दिए गए अधिकार, ग्राम सभा की शक्तियां, उसकी नियमावली आपने बनाया नहीं और नहीं इसको लागू करने का काम किया। दूसरी बात, नियोजन नीति पर भी आपका, आरक्षण नीति पर भी आपका, आदिवासी पर रोजगार के सवाल पर लेकर के आपकी एजेंडा स्पष्ट नहीं हो पाता है। और तो और अन्य लोग भी, जैसे बीजेपी हुए, कांग्रेस हुए,
इन लोग भी कहीं ना कहीं हमारे जन विरोधी ताकतों के साथ है। उदाहरण स्वरूप हम लोगों ने 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय में जब जमीन को संशोधन चल रहा था, CNTA की धारा 21, SPT की धारा 15, तो ये धाराओं को जो एग्रीकल्चर जमीन था वो कॉरपोरेट घरानों को देने की बात हुई थी, तो हम लोग रोड पर उतरे, आंदोलन किए, हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी हम लोग के साथ दिया। आंदोलन देने के बाद हवा ऐसी बही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी। बनने के बाद देखते हैं कि एक भी समाधान नहीं हुआ, ना कोई हमारे जैसे लोगों को जो आंदोलनकारी थे ना उनकी पूछी गई। ऐसा लगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही सब कर रहा है, और जब शासन में आई तो देखते हैं कि जितने भी बोर्ड निगम हैं, आप देखें आवास बोर्ड देख लीजिए, गव्य विकास का बोर्ड देख लीजिए, मार्केटिंग बोर्ड देख लीजिए और युवा बोर्ड देख लीजिए, सभी बाहर के लोग। मैं जाति की बात नहीं करता, विशेष वर्ग के लोगों को उस पर चेयरमैन बनाया गया। क्या यहाँ के आदिवासी मूलवासी नहीं थे? आदिवासी मूलवासी उस लायक नहीं है। तो कहने का मतलब है अब झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम का आदिवासी पार्टी मूलवासी रह गई है। इन लोगों का काम सिर्फ आदिवासियों को ठगने का काम है। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि हम लोग भाजपा का विरोधी में जेएमएम लड़ते हैं, यानी कि अपने आप को आदिवासी पार्टी कहती है, तो जेएमएम ने अभी जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आदिवासियों को 25 करोड़ तक का बिजनेस लोन देने का बात कर रहे हैं, जेएमएम पार्टी ने कई लोगों को पेंशन दे रही है, जेएमएम पार्टी ने 75% यानी कि स्थानीय सभी कंपनियों में नौकरी देने का बात कर रहे हैं, इतना कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप प्राइवेट सेक्टर में भी बात किया था कि मैं 75% आरक्षित करूंगा। आप देखें ना कितने भी जो कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं, कितने आदिवासी मूलवासी काम कर रहे हैं, सर्च कर लीजिए। दूसरी बात, 25 करोड़ की बात कहा था उन्होंने, लागू नहीं किया। एकमात्र जो TCDC में दिया जा रहा है 25 लाख तक का लोन दे रहा है, वो पहले से पॉलिसी है, और उसमें सबसे बड़ी चीज ग्रांटर खोजता है, आदिवासी ग्रांटर कहां से खोजेगा। कहने का मतलब जो झारखंड के विकास के पैमाने पर मैं कहना चाहता हूं कि सभी मुद्दे पर आपको काम करना होगा, लेकिन नहीं कर पाया। एग्रीकल्चर बेस में छोटे छोटे उद्योग को डेवलप करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए गांव के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके जो ग्रामीण को विकास करने का प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आपने भाषा की क्या स्थिति है, आपका ट्राइबल यूनिवर्सिटी ट्राइबल कॉलेज की क्या स्थिति है, 2 महीना में क्या करोगे भाई, और धर्मकोट का भी वही स्थिति है। कहने का मतलब आदिवासियों के धर्म संस्कृति के साथ यदि हमारी विकास के पैमाने पर भी आदिवासी मूलवासी के जो विकास के पैमाने पर होना चाहिए, रोजगार का प्रश्न होना चाहिए, कभी भी ये नीतिगत फैसले लेने में सफल नहीं हुए। और हमें लगता है, मैं कहना चाहता हूँ झारखंड की जनता से कि चेत जाएं, और हम कहना चाहते हैं कि जब सरकार काम ना करता हो तो उसको बदलें। अब ऐसा नहीं है कि आदिवासी के नाम का रहे और आदिवासी के मुद्दे पर काम ना करें। तो हम समझते हैं कि गठबंधन की सरकार कभी भी आदिवासी मुद्दे पर, बढ़िया अवसर था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, लेकिन वो अवसर खो दिए। अब एक ही विकल्प बचता है झारखंड के जो आदिवासी मूलवासियों को, खासकर आदिवासियों को, कि भारत आदिवासी के साथ कंधा से कंधा मिलकर के पार्लियामेंटियन के रूप में और चुने जाए, और चुनने के बाद शासन सत्ता स्थापित करने के लिए विभाग में जितने विभाग हैं, चाहे जमीन के रेवेन्यू सेक्टर में। तो हम लोग देखते हैं कि अभी जिस प्रकार से, यानी कि भाजपा ने जो लैंड बैंक बना दिया है, CNTA पे छेड़छाड़ कर दिया है, जेएमएम सरकार ने उसको अभी तक वापस नहीं किया है, तो इसको आप लोग क्या देखते हैं? अगर आप लोग मालिया यानी कि विपक्ष में या सरकार में आते हैं तो क्या लैंड बैंक को आप लोग वापस कराएंगे कि क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम लोग सरकार में आ जाते हैं, भारत आदिवासी पार्टी की सरकारें बनेगी, तो निश्चित रूप से लैंड बैंक का मसला हो, चाहे आदिवासियों की जमीन का जो डिग्री के बावजूद भी उसको दखल दहानी नहीं मिल रहा है, और रोज रोज गरीब त्रस्त है, माफिया तत्व मिले हुए हैं सरकार से, सरकार से अफसर, यहाँ के पुलिस पदाधिकारी सब मिले हुए हैं और सरकार कुछ नहीं करती, ऐसे मसले को भी हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा कि कोई भी पार्टियाँ, यहाँ की BJP हो चाहे कांग्रेस हो, और खासकर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो है,
ये बिल्कुल ही दलालों की पार्टी हो गई है। जमीन का मसला देख रहे हैं और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो है धंधा चल रहा है यहाँ पर। बहुत सारे यदि जांच हो जाए तो हम समझते हैं कि इनके जो जो इर्द गिर्द जो रहते हैं उनके पास अरब रुपया पैसा मिलेंगे। देखिए इन लोग को हमें लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति समाप्त हो गया है और इन लोग जानता है कि आदिवासी समाज आदिवासी वोटर सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ है। आदिवासी के नाम से वोट लो, काम एक भी नहीं करना है। तो इसलिए राजनीतिक तौर पर जो है भारत आदिवासी पार्टी अभी पूरे झारखंड में इसका दौरा करेगी और हम लोग चाहेंगे कि अभी 3 महीना हमारा इलेक्शन का समय है। संगठन का काम इलेक्शन के बाद भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी 3 महीना का हमारा प्रोजेक्ट रहेगा कि जहाँ जहाँ आदिवासी सीटें हैं और जहाँ जहाँ जनरल सीट भी है, जहाँ आदिवासी समाज प्रभावी करता है प्रभावित करता है वैसे जगहों को भी चिन्हित करके हम लोगों ने एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन कार्यकर्ता बेस ऑर्गेनाइजेशन के तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि तो संगठन है तो सत्ता पे आएंगे, लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बातें हैं आप मीडिया वाले हैं, आप एक भी मुद्दा बताइए जो समाधान हुआ है अभी तक। कोई भी स्टेट बनता है संघीय व्यवस्था में, जब अलग स्टेट बनता है तो सबसे पहले रोजगार का समाधान का प्रश्न होता है। लेकिन आज देखिए वही चीज 2001 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, कभी वो कर रहा है कभी हम कर रहे हैं, नौजवान लोग कर रहे हैं और देखते हैं समाधान नहीं हो पाई। अभी भाषाई आंदोलन बहुत मूलवासी लोग कर रहे थे, हम लोगों ने भी भाषाई आंदोलन किया, ऐसा नहीं कि स्थानीय नियोजन नीति के समय में डॉक्टर कर्मा उरांव के नेतृत्व में किए हम लोग, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। और एक चीज सबसे बड़ी चीज है आदिवासियों के संदर्भ में, यहाँ की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के शहादत वो कोई पूछने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव हो रहे थे, है ना, उसमें लोकसभा चुनाव में हम लोग देख रहे थे कि आप गठबंधन के को लेकर के आप मतलब लोगों को वोट मांग रहे थे, गठबंधन के लिए वोट मांग रहे थे, फिर अचानक ऐसे क्या हो गया कि आप अभी नया पार्टी झारखंड में उतार दिए हैं, क्या हो गया इससे? नहीं, आपका सवाल बहुत गंभीर है। लोग सोचते भी होंगे कि भाई आप एनडीए को गठबंधन किए और आपको अलग पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी या पार्टी में शामिल होने की क्या जरूरत पड़ी। देखिए राजनीति होता है पूरे देश के संदर्भ में, ये जनता को भी समझना होगा कि देश कहाँ जा रहा है। पूरे जो लोकसभा चुनाव था राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो रहा था और देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग सदन में बुला करते थे, संसद लोग बुला करते थे कि हम संविधान को चेंज करेंगे, बोलते थे कि हम हिटलर शाही लाएंगे। तो बहुत सारे मुद्दे को लेकर के सबसे पहले सर्वोपरि देश होता, तब हम आदिवासी हैं, सब मूलवासी हैं, तब गैर आदिवासी हैं। तो देश की संघीय ढांचा को यदि कोई बर्बाद करेगा तो उसका एक ही विकल्प था कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन है उसको मदद करना। और हम लोगों ने एक नहीं सभी संगठन के लोग हम लोग वोट देने का काम किया, प्रचारात्मक काम करने का काम किया ताकि भारतीय जनता पार्टी जो एक एजेंडे पर जो काम कर रही है, आदिवासी को समाप्त करने की काम कर रही है, मणिपुर की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और पेशाब किए जा रहे हैं हमारे जो है माथे पर मध्य प्रदेश में और ग्राम सभा की शक्तियां को हटाया जा रहा है, हरदेव जंगल को काटा जा रहा है, तो हम लोग भाजपा के विरोध में एक छोटी दुश्मन है जो हमेशा उस ज्यादा खतरा नहीं है, वैसे पार्टियों को मदद करने का काम किया। तो पूरे देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम लोग मजबूरी था जो हम लोगों ने मदद करने का काम किया। इसमें से मैं कोई गलत नहीं किया हूं और जनता और आपके दर्शक भी बतला देना चाहते हैं सर्वोपरि देश होता है, देश का खतरा हो तो हम एक होंगे। तो आगे हम लोग जिससे बहुत सारे सवाल अभी हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि कुछ दिन पहले आप तमाम प्रेम से मुंडा अगर यूट्यूब में टाइप करेंगे तो मिलता है कि आप जमीन को लड़ते हुए, जमीन का मुद्दों पे काफी लड़ते हैं और जो जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ उस जमीन को भी आप गिरा देते हैं, बड़ा बड़ा बाउंड्री बना हुआ उस बाउंड्री को भी आप तोड़वा के आदिवासियों को अपना जमीन दिला देते हैं। तो अभी हम लोग, आप तो राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं, क्या हम प्रत्येक राजनीतिक पार्टी के लोगों को देखते हैं कि जब राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं थे, चाहे आदिवासी का पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष क्यों ना हो, एक शब्द भी पार्टी के अलग से बोलने का ताकत नहीं है, ताकत मतलब क्या ना कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो हम ये चाहेंगे पहले के प्रेम साई मुंडा ही रहेंगे कि अलग हो जाएंगे?
देखिए जो भारत आदिवासी पार्टी आ रहा है ये पूर्ण तरीके से ये आंदोलन की पार्टी रहेगा, जमीन आंदोलन की पार्टी रहेगा, पार्टी के बैनर से भी करेंगे और जहां जमीन छीनी जा रही है, जो जनपरिषद से करते थे, जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन से करते थे, और राजनीतिक पार्टी के आधार पर भी हम कब्जा करने का काम करेंगे। जहां डेमोक्रेटिक राइट होगा, संवैधानिक अधिकार पर लिखेंगे, डीसी को लिखेंगे, एसपी को लिखेंगे, एलआरडीसी को लिखेंगे, चीफ सेक्रेटरी को लिखेंगे, मुख्यमंत्री को लिखेंगे। उसके बावजूद भी यदि हमारे आदिवासियों को नियम संगत जमीन वापस नहीं करता है तो पार्टी लाइन पर भी हम लोग हमला करने का काम करेंगे। कोई परहेज नहीं, आंदोलन जनसंगठन से भी कर सकते हैं, आंदोलनात्मक काम भारत आदिवासी पार्टी से भी कर सकते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भारत आदिवासी पार्टी सामाजिक आधारित पार्टी है, जो जनपरिषद सवाल उठाती है जल जंगल जमीन की, धर्म कोट की, जमीन की, वो सभी मुद्दे हम पार्टी लाइन पर करेंगे। और हम लोग की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो राजस्थान से चल रहा, पूरे देश में चल रहा है, तालमेल के साथ चलेंगे। तो कोई जनपरिषद में है, कोई पार्टी में रहेंगे, तो हम लोग की सबसे बड़ी चीज है कि चुनावी एजेंडा पर जाएंगे। लेकिन जहां तक हमारा उद्देश्य एक ही नहीं है कि चुनाव लड़े और जीते, चुनाव लड़े जीते हारे, हारने के बाद क्या करेंगे, बैठ जाएंगे क्या? तो चुनाव लड़े तो हम कानून के समक्ष काम करेंगे, ऐसे भी कानून समक्ष काम करें, और चुनाव में हार भी गए तो भी आंदोलन के रूप में हम नियम संगत डेमोक्रेटिक राइट के तौर पर हम आदिवासी जमीन को वापस कराने का काम करें। चाहे इसके लिए हमें कितने आंदोलन कितना भी करना पड़े, इसके लिए हमें जनता के बीच जाकर के जनसंघर्ष को तेज करना पड़े, तो भी हम लोग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भाजपा को हराने के लिए चाहे जेएमएम है, तो अभी इस प्रकार जेएमएम के अलावा अभी अपने आपको आदिवासी पार्टी बोलते हैं, उसके बाद भी आप लोग अभी आदिवासी पार्टी आ रहे हैं, यानी कि जेएमएम को इस पे कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएंगे और इसको आपका जो आदिवासी पार्टी का है उसको बीजेपी का बी टीम के रूप में भी घोषित किया जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप? देखिए, बहुत जन विरोधी ताकतें विभिन्न प्रकार के प्रचारात्मक काम करती है, गणित लगाती है। हम समझते हैं कि आदिवासियों को राजनीति करने का राइट नहीं है क्या? देश में शासन व्यवस्था करने का राइट नहीं है क्या? देश में एक राष्ट्रीय पार्टी डेवलप हो, ये राइट नहीं है क्या? क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति नहीं बन सकता है? मेरे कहने का मतलब है कि हमारा उद्देश्य है कि आदिवासी विचारधारा के साथ ही मुख्यमंत्री बने, राज्य बने। लेकिन जहां तक जेएमएम का सवाल है या बीजेपी के सवाल है या कांग्रेस का सवाल है, कहेंगे जब नई पार्टी उभरती है तो कहते हैं, और हल्के ढंग से भी हम लोग को समझेंगे, अरे कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, हम लोगों को हल्के ढंग से मत समझना, हम लोग क्रांतिकारी हैं और जनता के बीच काम करते हैं, कभी भी परिवर्तन कर सकते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग वोट कटवा नहीं है, आने वाला समय में वोट कटवा ये लोग रहेंगे जो आदिवासी सिद्धांत पर काम नहीं करते हैं, आदिवासी मुद्दे पर कभी भी इसको लागू करने का काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर स्थापित होकर के हिटलर शाही और राजतंत्र के तौर पर रहते हैं, खाली अपने ही खाएंगे, अपने ही सब कुछ करेंगे। ये उदाहरण स्वरूप है, आप देख लीजिए, माननीय हेमंत सोरेन 5 दिन भी नहीं हुआ और चंपई सोरेन जी को हटा दिया सीएम से, रहते क्या दिक्कत था? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका मंत्रिमंडल, आपका विधायक, आपका किसी से विश्वास नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र आपका मजबूत नहीं है। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं किसकी वोट घटेगी, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी बढ़िया खेलेगी और विकेट भी लेगी, आने वाला समय देख लीजिएगा। और राजनीतिक इतिहास में झारखंड में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। और नौजवानों से अपील करना चाहते हैं, कोई भी दिग्भ्रमित ना हो, आपकी अपनी पार्टी है आदिवासी पार्टी, शामिल होके देश की और झारखंड राज्य की विकास पैमाने पर बढ़ाने के लिए आप सहयोग करें। चलिए, इसी के साथ हम लोग प्रेम से मुंडा जी से बात कर रहे थे, हमेशा आप लोग देखते हैं प्रेम, अगर नहीं देखे हैं तो ये YouTube में प्रेम से मुंडा टाइप कीजिए, अपने आप आपको वीडियो मिलते जाएंगे, बहुत सारे वीडियो। इनका जमीनी लड़ाई है, अभी पार्टी में आने के बाद क्या करेंगे क्या नहीं, आगे भी हम लोग वीडियो देखते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल जो है पब्लिक एक्शन न्यूज को सब्सक्राइब बटन है उसको दबा कर दीजिए, काहे कि ये वीडियो आप लोग को हर तरह का आप लोगों को हम देने का वादा करते हैं। आप लोग अगर प्यार करेंगे तो हम भी आप लोगों को प्यार का बदले अच्छे से अच्छा वीडियो देने का कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ ये जो जनमुद्दे हैं, ये जो आदिवासी हो चाहे गरीब गुरबा हो चाहे हर एक प्रकार, जहाँ पे भी मतलब
अन्याय होता है, जहां पे भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उन सभी मुद्दों के साथ आप लोगों के पास हाजिर होंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। इसी के तहत पब्लिक एक्शन न्यूज हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। पब्लिक एक्शन न्यूज अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।